हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो रुकेश। और यहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने कुछ मिस्टीरियस बॉक्स लेके आया, और ये सारे बॉक्स जो वो आप ही लोगों के लिए, जी हाँ, इसका यहाँ पे इस वीडियो में जो वो गिव अवे करने वाला हो, और ये हमें आया है ब्लिट्स वुल्फ की तरफ से। और ये तीनों प्रोडक्ट्स आप जाके बैंगलोर के ऊपर जो वो परचेस कर सकते हैं, लिंक आपको सारी वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गिव अवे के अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये ईयरफोन से जो मैंने देखा हो, और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी के, और हाँ, इसकी प्राइसिंग यहाँ पे आपको काफ़ी बजट में मिल जाती है। अच्छी बात यह कि इसमें मुझे कोई कस्टम चार्जेस नहीं लगे, तो शायद से आपको भी नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपको क्यों नहीं लगता है। पता नहीं, डिपेंड करता है, आपको शायद लग भी जाए, कभी नहीं भी लग जाए। प्राइसिंग के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आपको उसके ऊपर कस्टम चार्जेस जो लगेंगे। ब्लिट्स वुल्फ के स्पीकर्स, ईयरफोन्स, चार्जर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो फाइनली यहां पे ब्लिट्स वुल्फ ने हमने एक मिस्टीरियस बॉक्स बेचा था, और अगर आपको ये ईयरफोन्स जीतना है तो मैं तीन विनर सेलेक्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको क्या करना है, ऑब्वियसली कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। उनमें से रैंडम पिकर से मैं कोई भी विनर को सेलेक्ट करूंगा, और उनमें से कोई भी तीन विनर सेलेक्ट करके ये वाली ईयरफोन्स को दूंगा। तो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, तीनों की अनबॉक्सिंग करते और आपको बता देंगे कितने बेस्ट ईयरफोन्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास जो वो तीन बॉक्सेस आए, वो तीनों के अंदर आपको जो वो प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन्स मिलते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे मॉडल नंबर ES1 ES2 जो आपको इस तरीके के मिलते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको जो साइड में रखते हैं, और यहाँ पे शुरुआत करते हैं मॉडल नंबर वाले VOX1 से। ये आपको जो वो 2000 रुपए में जो वो बैंगलोर पे मिल जाएगा, काफी प्रीमियम क्वालिटी के ईयरफोन से, और बहुत ज्यादा फीचर्स आपको उसमें मिलते हैं। प्लस इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी, और काफी स्टाइलिश लुकिंग आपको ये ईयरफोन्स मिलता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले चीज देखेंगे तो कुछ स्टिकर्स वगैरह मिलते हैं, और यहाँ पे आपको एक कैरी पाउच मिलता है, और इसी के अंदर आपको जो वो सब कुछ मिलता होगा। और यहाँ पे इसके अंदर आपको और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये वायर्ड है, वायरलेस नहीं है, तो आपको चार्जर की उम्मीद नहीं करनी है। और फटाफट से यहाँ पे इस पाउच को जो वो ओपन कर लेते हैं, काफी मजबूत सा पाउच आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमारे ईयरफोन्स जो वो बाहर आ जाते हैं, और उससे पहले आप देखेंगे आपको और कुछ दिखा देते हैं। तो ये आपको जो वो कुछ ईयरबड्स मिलते हैं, आपके ईयर साइज के हिसाब से आप इसको जो वो फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको और कुछ नहीं मिलता है, आप देखेंगे पाउच की कुछ क्वालिटी इस तरीके की मिलती है, काफी मजबूत सा आपको पाउच है, कैरी पाउच, आप कहीं भी बाहर लेकर इसको जो यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ईयरफोन आपको कुछ इस तरीके के मिलते हैं, इसको हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलती है, और डिजाइन काफी अच्छी और स्टाइलिश है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। और ये आप जो देखेंगे मटेरियल, ये जो वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, इसके ऊपर कोई भी निशान वगैरह नहीं पड़ेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ जो रबर कोटिंग दिया है, आपके ईयर में काफी अच्छे से फिट होगा, और काफी कंफर्टेबल फील आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से जो केबल मिलता है, ये टीपी का केबल, यानी कि एक टेंजल फ्री केबल है, और कितना भी आप इसको मोड़ तोड़ दो, ये बिल्कुल भी यहाँ पे जो वो नहीं टूटने वाला है, कुछ इस तरीके की मजबूती के साथ में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी माइक की बात करें, यहाँ पे आपको तीन बटन्स मिलते हैं, एक बीच में आपको जो वो कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट का, म्यूजिक पॉज प्ले का, और वॉल्यूम अप एंड डाउन का आपको यहाँ पे डेडिकेटेड बटन्स भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो 3.5 जैक मिलता है, ये जो 24K गोल्ड कैरेट से यहाँ पे जो बनाया गया, ऐसे कुछ कंपनी ने क्लेम किया है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये काफी चिपकू चिपकू सा लग रहा है, कुछ इस तरीके का उन्होंने यहाँ पे जो वो फील एंड लुक दिया है। तो ये आपको मिलते हैं बॉक्स वन, जो आपको 2000 रुपए में बैंगलोर पे मिलेंगे। आप इसको जाके वहां पे जो वो परचेस कर सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आपको जो वो मिल जाते हैं। के बाद हम आते हैं हमारे BWES1 वाले ईयरफोन्स पे। ये आपको लगभग से 1000 रुपए में जो वो बैंगलोर पे मिल जाएगा, और ये वाले ईयरफोन्स भी काफी अच्छे और प्रीमियम क्वालिटी के, और बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके भी बॉक्स की पैकेजिंग काफी सिंपल है, और इस तरीके का उसके अंदर आपको एक कैरी पाउच मिलता है, जो इस तरीके से आप उसको जो वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी भी पैकेजिंग सेम थी जो आपको प्रीवियस वाले में देखने को मिली थी, और इसके अंदर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिलते हैं, आप देखेंगे इस तरीके के कुछ क्वालिटी के, आप अपने ईयर के हिसाब से इसको जो फिट करके यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वालिटी आपको कुछ इस तरीके की ईयरफोन्स की देखने को मिलती है, डिजाइन काफी अच्छी है, और यहाँ पे आपको जो वो एक ग्रेफिन ईयरफोन मिलता है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम अलॉय के फ्रेम से बनाया गया है, यानी कि साउंड क्वालिटी आपकी यहाँ पे काफी अच्छी होगी, और यहाँ पे बाहर की साउंड आपको लेस सुनाई देगी, ऐसा कुछ इनकी वेबसाइट पे जो वो क्लेम्ड किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके की आपको कुछ डिजाइन मिलती है, और जो केबल इसके अंदर भी आपको जो 1.2 मीटर का टीपी वाला केबल मिलता है, जो कि एक टेंजल फ्री है, और आप इसको कितना भी मोड़ तोड़ लो, इसका केबल बिल्कुल भी यहाँ पे मुड़ेगा और टूटेगा नहीं। साथ में अगर माइक की बात करो, तो इसके अंदर भी आपको जो डेडिकेटेड बटन मिलते हैं, आपको यहाँ पे कॉल कनेक्ट डिस्कनेक्ट के, सॉन्ग पॉज प्ले के, और वॉल्यूम अप एंड डाउन का यहाँ पे जो बटन देखने को मिल जाता है। और इसके पीछे आप देखेंगे आपको माइक भी मिलता है, उस वाले में भी आपको माइक मिलता था, और यहाँ पे इसके अंदर भी आपको जो 3.5 जैक है, इसके अंदर भी आपको 24K गोल्ड कैरेट के साथ में आता है, तो कुछ इस तरीके का भी इसका भी शायद जो एक ट्रेंड बन चुका होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको मिलता है, इसकी भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, और मैं आपको तीनों जो वो टेस्टिंग की बात करूं, तो मैंने तीनों पर्सनली टेस्ट किया हूं, जबरदस्त साउंड आ रहा है यार, सीरियसली मैंने ऐसे काफी सारे ईयरफोन सुने, ब्लिट्स वुल्फ के भी बहुत ही जबरदस्त थे। तो ये आपको 1000 रुपए में मिलता है, अगर आपकी बजट 1000 रुपए तक की है, तो आप ये वाला हेडफोन जाके परचेस कर सकते हैं, तो मेरे सबसे काफी अच्छा।
अच्छा है। यहाँ पे फाइनल ईयरफोन्स की तरफ आते हैं, वो है BWES2 जो कि ES1 का सक्सेसर है। ये आपको जो 1300 रुपए में मिलता है, और मेरे हिसाब से मैं आपसे ऑनेस्टली कहता हूँ तीनों में अगर सबसे कोई बेस्ट ईयरफोन है तो वो ये वाला है, क्योंकि इसकी डिजाइन, इसका साउंड मुझे दोनों से ज्यादा पसंद आई है। अगर आपकी बजट 1300 रुपए की, अगर आपको अच्छे क्वालिटी के स्टाइलिश और बेस्ट क्वालिटी के साउंड चाहिए तो आप ये वाला ईयरफोन जाके परचेस कर सकते हैं। तीनों में ये मेरी रिकमेंडेशन है और मुझे ये तीनों में से सबसे ज्यादा पसंद आया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे इसका बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये स्टिकर्स है, और इसके ना स्पेशली आपको यूजुअल मैनुअल मिलता है जो दूसरे दोनों में आपको देखने को नहीं मिलते। ये आपको सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको उसको कैसे यूज करना है और कौन से फीचर्स कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके का केस मिलता है जो काफी स्ट्रॉन्ग केस है जो प्रीवियसली आपको मिल रहे थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने इस तरीके से इसको ओपन कर दिया, और इसकी डिजाइन बहुत ही जबरदस्त है। इसके अंदर भी आपको कुछ इस तरीके के ईयरबड्स देखने को मिलते हैं अलग अलग साइज के, लेकिन अच्छी बात यह कि आपको यहाँ पे इस तरीके से क्लिप भी मिलता है जो अपने शर्ट या कहीं पे भी टी शर्ट वगैरह में आप इसको होक कर सकते हैं। और इसको फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं और ईयरफोन्स की तरफ आते हैं। स्ट्रैप को इस तरीके से हम फटाफट से निकाल देते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईयरफोन्स की क्वालिटी कितना सुपर्ब लग रहा है। आप देखेंगे इसकी डिजाइन मुझे भा गई है, इसलिए मुझे ये पसंद आया, और इसकी साउंड क्वालिटी दोनों में से ज्यादा बेस्ट है। ये वाले ईयरफोन्स में आपको हाइब्रिड डायनेमिक डुअल ड्राइवर्स का साउंड मिलता है, साथ में आपको 6mm वाला फीचर मिलता है जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। स्टीरियो साउंड का आपको फीचर देता है, बैकग्राउंड की साउंड आपको नहीं सुनाई देगी ज्यादा, और आपको यहाँ पे गाने जो सुनते हैं आपको स्टीरियो साउंड करने जो इफेक्ट्स मिलता है जो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे डिजाइन की बात करें तो आप देखेंगे इस तरीके का आपको डिजाइन मिलता है, हालांकि ये जो प्लास्टिक में कुछ आपको डिजाइन दिया है, रबर कोटिंग दिया है, और इस तरीके से आप देखेंगे कितना स्टैंडर्ड और कितना सेक्सी आपको ये जो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके अंदर भी आपको जो टीपी वाला जो केबल मिलता है, मोड़ तोड़ लो ये कितना भी ये जो टूटने वाला नहीं है। साथ में अगर हम माइक की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से आपको जो एक डिजाइन मिलती है, आपको बीच का बटन ऑब्वियसली पॉज प्ले का, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का मिलता है, एक माइक मिलता है पीछे की तरफ, और यहाँ पे ये वाले ईयरफोन्स के अंदर भी आपको जो कुछ गोल्ड प्लेटेड वाले इस तरीके से जो 3.5 ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो ये जो ईयरफोन है तीनों में से मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, और इसकी साउंड मुझे तीनों से ज्यादा, दोनों से ज्यादा जो वो अच्छी लगी है। तो बस दोस्तों इतना ही था, ये तीनों ईयरफोन्स अगर आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको जाके वीडियो के अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, जो चाहे आप परचेस कर सकते हैं। प्लस मैंने वहां पे आपको जो कूपन कोड भी दिया, जो भी कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको 10-20% का डिस्काउंट भी जो मिल जाएगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आप जाके वीडियो को लाइक करिए और गिव अवे में एंटर हो जाइए, कमेंट कर लीजिए, और यहां पे मैं तीनों ईयरफोन्स कोई भी तीन लोगों को सेलेक्ट करके जो देने वाला हूं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।